नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि एग्जाम जेएसएससी सीजीएल का होगा, उसके ठीक पहले एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है रांची यूनिवर्सिटी में। 5 से लेकर 7 जुलाई तक बैठक होगी, जिसमें सभी जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें एक जैसा सिलेबस किया जाए, यानी कि कोई सिलेबस ना तो ज़्यादा हार्ड हो और ना ही ज़्यादा ईजी हो, यानी कि सभी का जो समानुपातिक रेशियो होता है वह बराबर हो, और इसे लेकर बातचीत करने के लिए चिट्ठी जारी कर दी गई है। हमारे पास चिट्ठी की कॉपी है, कौन कौन इसमें शामिल होंगे, तमाम शिक्षकों की लिस्ट भी है, लेकिन कुछ कारणवश और जेएसएससी का दबाव के चलते हम इसे आपको नहीं दिखा रहे। आपको हम जानकारी दे दें कि झारखंड में इन दिनों सबसे ज़्यादा डिमांड जेएसएससी सीजीएल में सिलेबस को लेकर था। कई स्टूडेंट ने सवाल उठाया था कि अलग अलग क्षेत्रीय विषय का सिलेबस ज़्यादा कठिन बनाया गया है, और इसे लेकर ही अब ये बैठक की जा रही है। बैठक में ये तय किया जाएगा, अलग अलग विषय के विशेषज्ञ को शामिल किया जा रहा है, उन्हें आज चिट्ठी भेज दी गई है, और ये उनसे रिक्वेस्ट किया गया है कि 5 से 7 तारीख के बीच जो रांची यूनिवर्सिटी में जो ट्राइबल लैंग्वेज क्लब है, लैंग्वेज डिपार्टमेंट है, उसमें जो बैठक होगी उसमें ये तय किया जाएगा कि किस विषय की क्या महत्व होगी, किस विषय में सिलेबस क्या होगा, किसमें व्याकरण क्या रहेगा, किसमें गदांश और पदांश बढ़ाया जाएगा या घटाया जाएगा। इसमें सभी शिक्षकों को शामिल किया गया है और सभी शिक्षक मिलकर के इसे तय करेंगे। एक जानकारी आपको और देना चाहेंगे कि झारखंड में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर डेट भले ही अनाउंस हो गया हो, लेकिन अभी कई ऐसी महत्वपूर्ण चीजें हैं जिस पर कल हमारा विशेष शो होगा, महत्वपूर्ण विश्लेषण कि क्या 21 अगस्त को भी परीक्षा हो जाएगी। आपको याद होगा कि जब तमाम लोग 24 जुलाई की बात में अड़े हुए थे, अपना माल बेच रहे थे, उस वक्त हम लोग ये बोल रहे थे कि 24 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी, 31 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी, और अंत में हमारी बातें सच हुई और ये परीक्षा 21 अगस्त को चला गया। क्या अब 21 अगस्त को भी परीक्षा हो पाएगा, क्या क्या इसके पहलू होंगे, ये विशेष विश्लेषण आपको कल मिलेगा। कल हमारे चैनल पर ये बताया जाएगा कि कौन कौन सी दिक्कतें आएंगी सरकार के पास, कौन कौन सी चुनौतियां हैं, क्या 52,000 लोगों का फॉर्म रिजेक्ट कर देने के बाद क्या परीक्षा लेना आसान है, और क्या सेंटर बनकर के तैयार हो गया है, 1 महीने में क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजों पर बात करेंगे। लेकिन इसके पहले आज महत्वपूर्ण खबर बता दें आपको कि लैंग्वेज को लेकर के स्टूडेंट वर्ग, कई बार आपने देखा होगा कि स्टूडेंट रोड में निकल कर आंदोलन कर रहे थे, भाषा आंदोलन हो रहा था, और उनका मानना था कि ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस को इस प्रकार से बनाया गया है जिसमें कुछ भाषा को ज्यादा लाभ हो रहा है, इसलिए किसी दूसरे लैंग्वेज पेपर को बड़ा कर दिया गया था। फिर डिमांड उठा कि सिलेबस छोटा किया जाए। अब जितने भी क्षेत्रीय भाषा है उनके सभी शिक्षकों को, जिसको जिम्मेवारी मिली है, उन तमाम शिक्षकों को बुलाया गया है। हमारे पास उन टीचर की भी लिस्ट है, लेकिन वो दिखाना उचित नहीं होगा और चिट्ठी दिखाना उचित नहीं होगा। आप इतना विश्वास रखते हैं हमारे ऊपर कि हम जो बोल रहे हैं सटीक बोल रहे हैं और सही बोल रहे हैं, और इसलिए आपका स्नेह भी इतना बना हुआ है। हम आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि जेएसएससी सीजीएल को आज जिस प्रकार से डेट अनाउंसमेंट किया, उसके पीछे की जो महत्वपूर्ण वजह थी, कल का दबाव और इस प्रेशर को थोड़ा रिलीज करने के लिए आज जेएसएससी ने कदम उठाया और इसको आपके सामने आज डेट प्रकाशित कर दिया। लेकिन आप अपनी तैयारी करते रहें। हम उन YouTube चैनल को भी ये बोलना चाहेंगे कि जो लोग कंफ्यूजन पैदा करते हैं, पहले उन्होंने जेएसएससी सीजीएल का डेट जून में अनाउंस कर दिया और जून में पहला वीक हो गया, और उसके बाद जून का अंतिम सप्ताह हो गया, और उसके बाद जुलाई का पहला वीक से लेकर अंतिम सप्ताह तक चला गया। ऐसे में स्टूडेंट को तैयारी में बहुत दिक्कत होती है, उनको एक टाइमिंग जो मिलता है, जो पिछली विश्लेषण में भी बोले थे, एक टाइमिंग जो मिलता है कि उनको 3 महीने या 6 महीने तैयारी करना है, वो उनका मिसमैच करता है। जब उनको पता चलता है कि हमारा एग्जाम, आप इसे सोचिए कि हम लोग शुरू से बोल रहे थे कि एग्जाम नहीं हो पाएगा 31 जुलाई को, अगस्त सितंबर जाएगा, आज भी हम बोल रहे हैं इसको। इसी चीज को अगर सही चीज लोग बताते कि एग्जाम अगस्त सितंबर में जाकर के होगा, तो स्टूडेंट को समय मिलता और वो अपना तैयारी शुरू करते। लेकिन जिस प्रकार से रूमर उड़ा दिया जाता है, उससे स्टूडेंट की तैयारी में दिक्कतें हो जाती है।
हम किसी की क्रिटिसाइज और आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन ये सोचना पड़ेगा कि आप सच बोलिए। और जब आप 31 जुलाई का डेट दे करके चलते हैं और 3 दिन पहले आकर के बताते हैं कि अगस्त में परीक्षा हो जाएगी, और हम लोग 1 महीना पहले से ही बोल रहे हैं कि अगस्त सितंबर में परीक्षा होगी। अभी भी हमारे सहयोगी को आपने सुना होगा कि उन्होंने, हम जब लाइव कर रहे थे बुंडू से, तो उस समय में उन्होंने कहा कि ये डेट आगे जाएगा। राजेश ओझा ने कहा कि डेट आगे जाएगा, तो एक 31 सितंबर में भी जा सकता है। तो 21 अगस्त को डेट क्यों दिया गया, इस पर कल विश्लेषण करेंगे। जेएसएससी से बड़ी खबर कल बताएंगे क्या कुछ परिवर्तन हो रहा है, और क्या इतना आसान हो जाएगा परीक्षा लेना, और होगा तो क्या दिक्कतें क्या चुनौतियां आएंगी, उस पर बात करेंगे। जेई एग्जाम क्या वास्तव में ज्वाइनिंग हो जाएगा, और वैज्ञानिक सहायक की क्या नियुक्ति जो हो चुकी है क्या वो सेफ है, तमाम चीजों पर कल विशेष